आज के दौर में स्मार्टफोन्स का ट्रेंड काफी फास्ट चेंज हो रहा है। दिन बर दिन मार्केट में न्यू इनोवेशंस करके फोन बेचे जाते हैं। कभी फोन के सॉफ्टवेयर में न्यू चेंजेस होते हैं या फिर फोन के मॉडल में न्यू इनोवेशंस किए जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं, चाइना न्यू इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने में एक्सपर्ट है, साथ ही टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने के लिए सुपर फास्ट भी है। पर क्या आपने ये सोचा है कि सिर्फ चाइना ही क्यों मोबाइल मैन्युफैक्चर करने में फास्ट और फेमस है? इतनी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, पर सबसे ज्यादा मोबाइल फोन चाइना में ही क्यों मैन्युफैक्चर होते हैं? और इंडिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज है जो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें से भी कुछ इंडियन ब्रांड्स के फोन मार्केट में सेल होना बंद हो गए हैं, जैसे कि जोलो, मोटोरोला, कार्बन। ये ब्रांड के फोन्स मार्केट में मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल फोन्स में सबसे लीडिंग ब्रांड सैमसंग है और उसके बाद बाकी ब्रांड्स के मोबाइल फोन आते हैं जिसमें कोई अलग फीचर होते हैं। देखा जाए तो चाइना के मोबाइल कंपनीज ने इंडियन मोबाइल कंपनीज को टेक ओवर किया है, और इसके पीछे रीजन क्या है? चाइना में इंडिया के मुताबिक ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चर होते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि चाइना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सबसे आगे है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो इंडिया में नहीं बनते हैं, और इसके सिवा और कौन से कारण हैं कि इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं वो देखते हैं। चाइना में इंटेल और क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम और मीडियाटेक जैसी कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स के स्पेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, पर इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं है जिस कारण मोबाइल के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। इंडिया में फोन मैन्युफैक्चर किए भी जाए तो भी उसके लिए जो जरूरी पार्ट्स लगते हैं उसे इम्पोर्ट करना कॉस्टली पड़ता है। सिर्फ कुछ कंपनीज है, एसर, HTC, आसूस जैसी, जो चीप कॉस्ट में प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं। फोन बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी फाइबर और प्लास्टिक भी इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। इंडिया में प्लास्टिक प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है, पर उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात जो किसी भी प्रोडक्ट या डिवाइस को सेल करने के लिए जरूरी होता है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस, जो किसी भी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना में रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रोसेस काफी अच्छी है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स में कस्टमर के डिमांड्स और मार्केट में क्या चल सकता है इन बातों को ध्यान में रख के प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिकन और जापान कंपनीज भी चाइना से इस बात में पीछे है। अमेरिकन और जापान कंपनीज किसी फीचर या फंक्शन के बारे में सोचते हैं और उससे पहले चाइना में वो सेम चीज ऑलरेडी बन चुकी होती है। आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ सालों पहले इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट ने 150 करोड़ अलॉट किए थे, पर उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल किए बिना सारे पैसे करप्शन में ही गए। और जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल फोन बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, सिर्फ एक फोन बनाने के लिए भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। IC, मदरबोर्ड, डिस्प्ले, एडवांस सॉफ्टवेयर और भी कई छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब एक फोन बनाने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है तो सोचिए ज्यादा क्वांटिटी में फोन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इतने सारे कंपोनेंट्स लार्ज स्केल पे एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज्यादा जरूरी है उसके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी का होना, जो इंडिया में नहीं है, इसीलिए मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चर नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ईयर 2014 में मेक इन इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद दो फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चालू हुए, लेकिन मोबाइल फोन्स बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स बाहर से ही इम्पोर्ट किए गए थे। और जैसा मैंने कहा, कंपोनेंट्स इम्पोर्ट करना काफी कॉस्टली होता है, तो कंपनीज को इस वजह से काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। अभी सिर्फ फॉक्सकॉन कंपनी है जिसकी दो असेंबली साइट्स हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जो शायोमी और नोकिया फोन मैन्युफैक्चर करती है। फॉक्सकॉन चाइना बेस्ड कंपनी है, इसीलिए कंपोनेंट्स वहां से इंपोर्ट होते हैं और इंडिया में सिर्फ उसे असेंबल करके मोबाइल फोन बनाया जाता है। तो इन कारणों के कारण मोबाइल फोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते, जिसका मेन प्रॉब्लम है इंडिया में मोबाइल कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है और बाहर से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करना कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से इंडिया में फोन पूरी तरह इंडियन ब्रांड का बनना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तो आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।